बिहार के मुजफ्फरपुर में कोविड 19 के ही लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमण के अब मामले। मरीज के लिए SKMCH में कोरोना के सीरियस पेशेंट के लिए 100 बेड की कोविड केयर वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें बीते दिनों से लगातार ही शिकायत को लेकर आज तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त, तिरहुत रेंज के IG, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, SSP और CTSP सहित कई अधिकारी ने SKMCH में स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। गौरतलब है कि कुछ दिनों से ही कोविड मरीजों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समय पर नहीं आ रहे हैं और न ही देख रेख कर रहे हैं। इसके साथ ही बिजली समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम शिकायतें मिल रही थी। इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही सभी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर किए जाने के आदेश भी दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि हमने स्थिति के बारे में जानकारी लिया है और इस समस्या को लेकर जल्द ही दुरुस्त किया जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर है, उसमें कोरोना के जो सीरियस पेशेंट हैं उनके लिए 100 बेड का अरेंजमेंट किया गया है। कुछ कुछ शिकायतें आ रही थी कि वहाँ डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ टाइम से नहीं पहुँच रहे हैं, कई बार बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायतें थी, तो उसी को लेकर के आज आयुक्त महोदय के यहाँ बैठक थी जिसमें सभी लोग शामिल हुए और इसका बहुत विस्तृत विचार विमर्श हुआ है और व्यवस्थाओं में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। और आज से ही कंट्रोल रूम भी स्पेशल बनाया गया है कि अगर किसी मरीज की कोई दिक्कत हो उसमें बात करें, उनके परिजन को दिक्कत महसूस हो वो भी आकर बात कर सकते हैं, कंट्रोल रूम में फोन करके बात कर सकते हैं। फिर जो अटेंडेंस हैं उनके लिए भी जगह चिन्हित करने के लिए बोला गया है कि वो कोविड वार्ड में नहीं जा सकते लेकिन वहाँ आकर के अपना पता कर सकते हैं क्या है। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट।